हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं बिल्कुल ठीक, आप सब बताइए। बस आज सैटरडे था तो थोड़ा नाश्ता आपके साथ शेयर कर लूं। तो चलिए देखते हैं आज नाश्ते में क्या बन रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ओट्स बनाने हैं। ओट्स ले लिए हैं बाउल में, आउल और आलू कट करके रख लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर कट करके रख लिया बारीक बारीक, एक टमाटर, हरी मिर्च और नॉर्मल मसाले जो आपके होते हैं। और मैं इसमें राई का तड़का लगाऊंगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया। तो चलिए फिर बनाते हैं और तैयार करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसमें राई डालूंगी, राई से ढकने लगी है। उसके बाद मैं आलू डालूंगी और उसके बाद ये ग्रीन वेजिटेबल जो शिमला मिर्च और गाजर की, इसको अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ओट्स खाने के लिए, नाश्ते के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहे तो इसको डेली रूटीन में भी शामिल कर लीजिए और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो अक्सर नाश्ते में यही बनता है और इसके साथ मैं सैंडविच भी बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और आज सैटरडे है तो आज हमारे छोले बन गए हैं, उसकी भी रेसिपी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इतने ये भुन के मसाला तैयार हो रहा है, इतने हल्के से फ्राई हो रहे हैं। इतने मैं टोस्ट की तैयारी कर लेती हूँ, जो मुझे ब्रेड के सैंडविच बनाने हैं। तो उसमें मैंने आलू ले रखे हैं, उबले हुए आलू हैं और शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, और इसमें एक हरी मिर्च भी है। तो इतने ये भुनता है, मंदी गैस पे कर रखा है मैंने, बिल्कुल भुनते हैं, हल्का हल्का सा क्रश हो जाएंगे जो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इतने हम अपना टोस्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फिर पहले आलू डाल देते हैं। आलू मैं अभी देख के डालूंगी, आलू मुझे ज्यादा लग रहे हैं तो आलू को पहले मैं मैश कर लूंगी इससे। इसके बाद मैं पहले सब्जियां डाल लेती हूँ, प्याज, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर। अब मैं इसको पहले मिक्स करके देख लेती हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग आलू और डाल दूंगी, क्योंकि कई बार आलू आलू हो जाते हैं तो सब्जी का कोई टेस्ट नहीं आ पाता है। सब्जी भी पेट में जाने बहुत जरूरी है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए। और जैसा आजकल का माहौल चल रहा है कोरोना का, सब्जी भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। वैसे तो विंटर्स में बहुत सब्जी आती है, बट इस टाइम तो शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर, प्याज, यही सब है। सब्जी भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें भी पहले टमाटर डाल दूंगी, इसमें टमाटर गलेगा फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। दोनों चीजों में साथ ही मसाले डालूंगी, इसमें भी ओट्स में भी मसाले डाल रही हूँ मैं, नॉर्मल मसाले, और अपने तो में जो मैं सैंडविच बनाऊंगी इसमें भी मसाले डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम नमक डाल लेते हैं ओट्स में, धनिया डाल लेते हैं और टेस्ट अकॉर्डिंग चाट मसाला डाल लेते हैं, इससे कुछ अलग ही फ्लेवर आ जाता है। ओट्स में टमाटर भी गल चुकी है, आलू भी हो चुके हैं, शिमला मिर्च, गाजर, सब कुछ हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने काट के रख रखी है। नमक अभी मैं बनने के बाद डालूंगी, इसकी भी, इसका भी पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, अभी ये ब्रेड में भरा जाएगा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ओट्स और इसके साथ मैं पानी डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक इसमें अच्छे से मैश हो जाएगा। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और निकाल के डाल देती हूँ इसमें। ये ग्रीन चिली भी जो मैंने काट के रख रखी थी वो भी डाल देती हूँ और इसको मिक्स अप कर।
तो फ्रेंड्स इतने ओट्स में उबाल आने वाला है, बस ये भी तैयार होने वाला है। इतने में सैंडविच कर लेती हूँ, फिर इनको भी हम सेक लेंगे। फ्रेंड्स ये तैयार हो गए, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और बस अब मैं टोस्ट भर लेती हूँ। तो फिर तो फ्रेंड्स मेरा तवा गर्म हो चुका है, इस पे मैं जरा सभी डालूंगी टोस्ट सेकने के लिए। थोड़ा सा समय ऊपर भी लगा दूंगी, थोड़ा करारापन आ जाएगा इनमें, तभी भी अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सैंडविच तैयार हो गए हैं, ओट्स भी तैयार हो गए हैं, तो चलिए फिर खाते हैं। पहले तीन मैंने बड़े टमाटर ले लिए हैं, दो हरी मिर्च ले लिए और अदरक। पहले मैंने चने उबालते समय भी अदरक थोड़ी सी डाल दी थी और थोड़ी सी मैं अब मिक्सी में जब इसको टमाटर को ग्राइंड करूंगी तब भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले सरसों का तेल डाल लेते हैं। सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सरसों का तेल कच्ची धानी के लिए यूज करते हैं तो उसे थोड़ी देर कढ़ाई में या फ्राई पैन में डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार तेल से इसे पकता नहीं और हम मसाले डाल देते हैं, सब्जी डाल देते हैं और फिर सरसों के तेल की महक आती है। बहुत से तेलों में ज्यादा जो मतलब प्योर होते हैं उनमें जल छोड़ता रहता है, तो सरसों के तेल को पहले थोड़ा सा पकने देते हैं फिर हम इसमें सामान डालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको सरसों का तेल पका के रखना है तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी मात्रा में सरसों का तेल पका के रख लीजिए और फिर उसको डिब्बे में भर के रख लीजिए और फिर उसको यूज कर लीजिए। तो मेरा तो वैसे थोड़ा सा ही था सरसों का तेल, तो अभी ये पक चुका है तो इसमें मैं सबसे पहले जीरा डाल दूंगी। फ्रेंड्स जीरे के बाद में थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन के बाद थोड़ा सा हींग, आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। हींग के बाद में पहले डालूंगी थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि हल्दी मैंने छोले उबलते समय डाल दी थी। मिर्च और धनिया, और अब उसके बाद में टमाटर की प्यूरी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो डाल दी थी। तो हम इसको अच्छे से फैला लेते हैं और जो ये मिक्सी के ग्राइंड में सरसों टमाटर की प्यूरी है इसको भी अच्छे से हाथ से निकाल के, क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी प्यूरी है, इसको भी निकाल लेते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको धो के हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, अगर थोड़े से, क्योंकि चावल से थोड़े से पतले चावल चलते हैं और रोटी के हिसाब से थोड़े से गाढ़े चावल होते हैं, छोले होते हैं सॉरी। फ्रेंड्स हर किसी की क्वांटिटी अलग अलग होती है ना, चावल के साथ थोड़े से पतले छोले चलते हैं और अगर आप रोटी पूरी के साथ खाना है तो थोड़े से लिपटवा छोले चलते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, सबका अलग अलग तरीका होता है खाने का। तो फ्रेंड्स देखिए तो पूरी तैयार होने वाली है, मसाला इसका पकने वाला है। जब तक ये तेल नहीं छोड़ रहेगा तब तक मैं इसको पकाती रहूंगी। हाँ, और मैं आपको एक बात और बताने लगा रही थी, कई बार हम लोग मतलब हमें मॉर्निंग में छोले राजमा बनाने होते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि छोले भिगोने थे, राजमा भिगोने थे। तो कोई नहीं, आपको ये टिप्स जरूर आजमाना, आपको बहुत काम आएगा। आप मॉर्निंग में उठिए, छोले या राजमा जितना आपको क्वांटिटी लेनी है उसको धो के कुकर में एक सीटी लगा के, एक या दो सीटी लगा के आप रख दीजिए उसी कुकर में या अलग से बर्तन में करके उसी पानी से,
उसको रखने के बाद इतनी मॉर्निंग में तो वैसे कोई नहीं खाता है, दोपहर के खाने के टाइम 1 या 2 बजे ही खाता है, तो उसको 2-3 घंटे ऐसे ही रख दीजिए और फिर आप उसको देखिएगा, फिर आप उसको उसमें 3-4 सीटी लगा दीजिए, 3-4 सीटी लगा के और फिर आपके वो तैयार हो जाएंगे, मतलब गल जाएंगे। अगर आप कई बार भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुबह 1 सीटी लगा के रख दीजिए, उसको 2-3 घंटे ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए, वो उसी पानी में भीगते रहेंगे और फिर उसका आपको 2 सीटी में लगा के आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं छोले या राजमा भिगोने भूल जाते, कई बार मैं रात को 2-2, 2:30 बजे भिगोती हूँ, कई बार बिल्कुल भी याद नहीं रहता और किसी का एकदम आना होता है दोपहर के खाने में बनाना होता है, तो मैं भी यही टिप्स आजमाती हूँ, तो आप भी आजमाइएगा। तो चलिए देखिए मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं ना इसमें एक चीज और डालूंगी, हम लोग ये MDH का चना मसाला यूज करते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेवर मैं इसका भी डालूंगी, इससे भी एक अलग ही टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, इससे छोले में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स प्यूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैं इसमें बस छोले डाल दूंगी। फ्रेंड्स आप इसमें प्याज लहसुन सब कुछ डाल सकते हैं, मेरे को भगवान जी को खिलाना होता है तो मैं नहीं डाल सकती, बट कभी कभी हम लोग भी प्याज लहसुन खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो और अगर जो लोग नहीं खाते हैं तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल छोले भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको मिक्सअप कर लूंगी और ये जो इसका पानी था इसको भी कर लूंगी। हल्का सा मैं इसको क्रश कर दूंगी। तो अब इसको हम एक उबाल आने तक पकने देते हैं, इसमें बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, तो फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ये तैयार हो चुके हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग। तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स देखिए छोले तैयार हो गए हैं, मेरे चावल तैयार हो गए हैं और मैंने खाने में ग्वार की फली बनाई है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स मैं प्लेट यहाँ लेके आ गई हूँ मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, वो खा रहे हैं और इतने वो खाते हैं इतने हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा दोपहर का खाना है। फ्रेंड्स बहुत से लोग होते हैं कि छोले चावल खा लिए, कढ़ी चावल खा लिए, राजमा चावल खा लिए, वो रोटी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, वो चीज़ गलत है। आप चाहे एक रोटी खाओ या आधी रोटी खाओ, चावल रोटी के खाने के बाद ही खाने चाहिए। चावल ठीक है, सबका चावल का मन करता है, लेकिन रोटी भी ज़रूरी है। हमें तो मतलब मैं बचपन से जब भी हम चावल को कहते थे तो मम्मी कहती थी कि पहले रोटी खाओ तब चावल मिलेंगे, तो वही शुरू से आदत पड़ी हुई है। बहुत से पुलाव खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है, या सबका अपना अपना तरीका है खाने का, लेकिन यहाँ पे मेरे घर में या वहाँ पे पीहर में भी मतलब कि पराठा रोटी ज़रूर कुछ चाहिए, खाली चावल पुलाव या जवे मतलब जवे नमकीन जवे जो बनते हैं, या मतलब बिना रोटी के इन चीज़ों से पूरा नहीं होता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी साथ में खाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए और घर का बना हुआ खाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम बाहर का खा लेते हैं या ये है वो है, बाहर का खाना हम लोग खाते हैं लेकिन वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे इतना चटपटा कर देते हैं, हम लोग रोज उसे नहीं झेल सकते, इसीलिए घर का ही खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप उसको बहुत ही क्लीनिंग, बहुत ही सफाई के तरीके से बनाते हैं। और लेडीज बेचारी सब्जियां इतनी इतनी बार धोती हैं, उसको धूप लगाती हैं और एक एक चीज बड़े ध्यान से करती हैं, तो घर का खाना तो हमेशा हेल्दी ही रहा है। पुराने बड़े बूढ़े भी पहले घर का ही खाना खाते थे, तो हमेशा घर का ही खाना खाना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभार हो जाता है, ठीक है बाहर का हो गया
कभी कभी खा लिया, लेकिन हर समय एक सा नहीं होता है। घर का ही खाना अच्छा होता है, घर का ही खाना हेल्दी होता है, और घर का ही खाना ही आपको स्वस्थ रखता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे भी आपको मेरे नई वीडियो और व्लॉग मिलते रहेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स भी लेके आऊंगी, क्योंकि मैं जो यूज करती हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ चीजें जो बहुत काम आती हैं लेडीजों के। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।